का मेन मोटिव ये है कि हमें थोड़े काम है जो हमें पूरे करने हैं। आज भी मैं जस्ट उठा हूँ और चाय पी रहा हूँ। सो अभी मेरे को चार काम करना है, ठीक है। नंबर वन, हेयर कट करवाना है। नंबर टू, शेव। नंबर थ्री, बाजार से कुछ चीज़ें लानी है, जैसे कि सैनिटाइजर हो गया। और नंबर चार, कुछ कपड़े, क्योंकि इस लॉकडाउन में 2 महीने से मैंने एक भी जो भी सारे कपड़े थे वो अभी, ये चारों काम मेरे को आज के आज ख़त्म करने हैं। और आपको लग रहा होगा कि मेरे को इतना पसीना क्यों आ रहा है। सुबह 7 बजे से लाइट चली गई है, 11:30 बजे आ जाएगी ऐसे बोल रहे हैं। सो तब तक के लिए पसीना तो आना ही है, तो लाइट आए तब तक हम थोड़ा सा काम फिनिश कर देंगे। पर मोबाइल में बैटरी भी नहीं है, तो जितना ब्लॉग बनेगा उतना ही होगा। अब बड़े दिनों बाद गाड़ी निकाली और देखो यार हालत क्या हो रखी है पूरी। ये पूरा निकला, सो इसको गैरेज में लेकर जाना पड़ेगा भाई। ये ना बहुत गलत सीन हो गया भाई। चलो बालों की बात थी, हो गई। अभी बात है शेविंग की, जो कि हम घर पे खुद करेंगे। तो अभी फाइनली नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे, जो चीज़ें बाहर से लानी है उसे हम लेने जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग मेरे को जो चाहिए वो है टंकी एंड सैनिटाइजर। सो फाइनली गाइस, नमकीन तो आ चुका है, अभी सैनिटाइजर की बारी है। सेवलन का सैनिटाइजर भी आ चुका है अभी, ठीक है। अभी अपना पूरा काम खत्म हो चुका है, सो अभी हम पूरा घर पे मिलते हैं। चलो तो भाई साहब, रुकावट के लिए खेद है, वीडियो यहीं पे मेरे को एंड करना पड़ा, क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उस दिन लाइट भी नहीं थी। 3 दिन बाद जब मैंने इस वीडियो को एडिट किया तो सिर्फ 3 मिनट का निकला। मतलब 3 मिनट का कंटेंट डालने से अच्छा है मैं थोड़ा और कंटेंट जमा करूँ और उसमें मिक्स कर दूँ। तो भाई साहब, 3 दिन बाद मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब को, और हमारे एम एस के भाई ने घर पे पिज्ज़ा बनाया। कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, घर पे कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो हमने भी घर पे पिज्ज़ा बनाने की कोशिश की। उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो अपने घर पे अवेलेबल थी, सिवाय चीज़ की जो हमने बाज़ार से लेके आए, और फिर घर पे हमने पिज्ज़ा बनाया। तो आप वो रेसिपी देखिए, मैंने ऐसे ही 3 मिनट जोड़ दिए उसमें। तो वो वीडियो देखो और फिर बात कर लेते हैं। और भाई साहब, क्या चुम्मा पिज्जा बना था ना मेरे भाई, क्या बताया आपको।
एक्सपेरिमेंट कभी ऐसे काम आ जाता है, कभी कभी ऐसे तुक्का लग जाता है। जो हमारे यहाँ पे तुक्का लगा है ना, क्या ही बताएं आपको। लेकिन बस आज के लिए बस इतना ही भाई, हमें जितना हो सके उतना खींचा वीडियो को और 5-6 मिनट का बनाने की कोशिश की है। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक करना है तो लाइक करो, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करो। यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अदर अपडेट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब आखिर। और आजकल मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है बारिश बहुत जल्द आने वाली है।